सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। जिन बच्चों की क्लास 10th में कंपार्टमेंट थी, खासकर मैथमेटिक्स में, उनके लिए एक नई अपडेट निकल कर आई है और ये अपडेट लिटरली बहुत ज्यादा बेहतरीन है। मुझे पर्सनली ये अपडेट बहुत अच्छी लगी। हालांकि मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा कहीं दूसरे कामों में बिजी था, क्योंकि ऑलरेडी आपको वो पता ही, हमारी क्लासेस वगैरह, कोचिंग वगैरह के कामों में बिजी था। ठीक है, फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि स्टिल इस जानकारी में है क्या। यहाँ पर देखो, नव भारत नाउ के ऑफिशियल लीडिंग न्यूज़पेपर है, ऑफिशियल न्यूज चैनल है, तो इस पे एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है कि अगर आप क्लास 10th में थे और आपकी कंपार्टमेंट थी और आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखी थी, ध्यान से समझना, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखी थी तो यहाँ पर कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए बेसिक मैथ्स को आप चयन कर सकते हो, यानी बेसिक मैथमेटिक्स आप चूज करके उससे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। डिफरेंस क्या है वो ऑलरेडी मैं बता दूंगा, नहीं पता तो कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। पहले ये समझ लो कि अगर आप क्लास 10th में कंपार्टमेंट आ चुकी है और आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली थी, तो आप चाहो तो अब कंपार्टमेंट का एग्जाम या सप्लीमेंट्री का एग्जाम बेसिक मैथमेटिक्स से दे सकते हो। ये बहुत अच्छी न्यूज है। जिन बच्चों को आगे मैथमेटिक्स से करियर परस्यू नहीं करना है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। प्लस इसके अलावा क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी एक अपडेट है कि क्लास 12th वाले बच्चों की जो कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाली है, इसी के साथ सीबीएसई इनका इंप्रूवमेंट एग्जाम भी ले लेगी। मतलब जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं वो समझ जाओ कि उनका भी एग्जाम डेट सेम कंपार्टमेंट वाली डेट सीट ही उनके लिए भी है। बात समझ में आ गई। दो अपडेट थी, एक क्लास 10th के लिए और एक क्लास 12th के लिए। 10th वाली इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा थी क्योंकि जो बच्चे स्टैंडर्ड से हैं अब वो बेसिक में भी कन्वर्ट करके अपने एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक अपडेट और बहुत अच्छी है, वो अपडेट ध्यान से देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्लास 10th कंपार्टमेंट का स्पेशल बैच, यस, क्लास 10th कंपार्टमेंट का स्पेशल बैच शुरू हो चुका है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट का। अगर आप इंडिविजुअल आपकी कंपार्टमेंट है तो भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, दोनों में है तो भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास चलने वाली है पूरी तरह से, लेकिन ये लाइव क्लास टू वे कम्युनिकेशन के साथ है, मतलब जैसे जूम मीटिंग पर होती है वैसे ही हमारे ऐप पे क्लासेस होती है। आप जब चाहे तब किसी भी क्लास में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। प्लस इसके अलावा इस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी आपके लिए हमेशा, जब तक आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। प्लस अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अनलिमिटेड डाउट, टीचर का पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा ताकि आप डायरेक्टली उनसे व्हाट्सएप पे और कॉल के थ्रू कनेक्ट रह पाओ और अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओ। इसके अलावा आई डेफिनेटली एश्योर यू कि अगर आप क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है, जो होमवर्क दिया जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस घर पे 2-3 टाइम्स करते हो तो 100% आपकी कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगी, इस चीज की गारंटी है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो तो एक छोटी सी फीस है इसके लिए, जिसके लिए अगर आप चाहो तो कॉल करके 7065940004 पर कॉल करके आप जान सकते हो। एडमिशन कैसे लेना है वो आपको 7065940004 पे कॉल करके आप जान सकते हो। कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए होगी, सीबीएसई से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए होगी तो इस नंबर पे आपको कोई अपडेट नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये नंबर एडमिशन डिपार्टमेंट का है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए इस नंबर पर डायल करो, ओके, तो जो भी उठाएगा उससे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि बहुत ही लिमिटेड सीट है। ऑलरेडी हमने दो बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ये हमारा थर्ड बैच है जो स्टार्ट होने जा रहा है। तो 10 स्टूडेंट्स का हमारा पहला बैच था, 10 स्टूडेंट्स का दूसरा बैच था और अब ये फिर से 10 स्टूडेंट्स का तीसरा बैच शुरू होने वाला है। तो मेक श्योर बच्चों जल्दी जल्दी एडमिशन ले लो by calling 7065940004। इसके अलावा अगर आपको कुछ पर्सनली जानना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, दैट इज SURYA0315। CBSE या स्टडी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन फॉलो मी देयर। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को अपडेट समझ में आ गई होगी कि क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं वो बेसिकली अपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से अभी भी मौका है कि वो बेसिक मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और 12th वाले बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम के साथ साथ इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दे सकते हैं गाइस। सो मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुड लक।